हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोकोनट बर्फी बनाएंगे, तो उसके लिए हम जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए सबसे पहले हम कोकोनट बुरादा लेंगे, फिर उसके बाद हम येलो कलर लेंगे, फूड कलर, इलायची, जायफल, जायफल को हम थोड़ा कूट लेंगे, चीनी, मेवा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए नारियल की बर्फी बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले चीनी को एक कढ़ाई में लेके चाशनी बनाएंगे। तो एक कटोरी चीनी और एक कटोरी पानी डाल के उसे चाशनी बनाएंगे। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप शुगर फ्री शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें एक कटोरी पानी और एक कटोरी चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे चाशनी बनने तक हम वेट करेंगे और तब तक हम इलायची और जायफल को अच्छे से कूट लेंगे, बिल्कुल उसका पाउडर बना देंगे। इस तरीके से आप अच्छे से कूट लीजिए उसे, देखिए। और तो देखिए, तब तक हमारा चाशनी भी तैयार हो गया है। ये देखिए, हमने जायफल और इलायची को अच्छे तरीके से उसके कूट लिया है और हमारी चाशनी भी रेडी है। जब हमारी चाशनी में से एक तार निकलने लगे तो वो चाशनी रेडी हो गई है। उसमें हम मेवा डालेंगे और थोड़ा फूड कलर डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने जायफल और इलायची को कूटा था अच्छे से, उसका पाउडर बनाया था, उसे डाल देंगे। आप डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिए और गैस ऑफ कर दीजिए और इसे कढ़ाई को साइड में रख लीजिए। देखिए, और इसमें हल थोड़ा थोड़ा करके नारियल का बुरादे उसमें अच्छे से मिक्स करते जाइए। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते करिए तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा आपका। नारियल की बर्फी सबको पसंद होती है और खाने में ये बहुत टेस्टी होती है, तो इसे ज़रूर बनाएं। इसकी खुशबू आने लगती है, जब आप बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए, ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसे हम एक कंटेनर में या प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से हम सेट करने के लिए रख देंगे। देखिए, मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसे अच्छे से पहले फैला लीजिए। ये देखिए, हमने फैला लिया है। अब इसमें ये हमारा फैल चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसमें हम थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप उसे डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने देंगे। ये देखिए, हमारा सेट हो चुका है। अब इसे हम बर्फी के शेप में कट कर लेंगे। हमारी बर्फी, कोकोनट बर्फी तैयार है खाने के लिए। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।